हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो है एक्सेल में ये डेटा टैब का डेटा टूल्स वाला ब्लॉक कंप्लीट। लास्ट वीडियो में हमने सॉर्ट एंड फिल्टर ब्लॉक कंप्लीट किया था, मैं इसे आई बटन पर दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम्स। इसका क्या यूज़ होता है, देखिए जैसे ही मैंने इस पर कर्सर रखा हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि स्प्लिट अ सिंगल कॉलम ऑफ टेक्स्ट इंटू मल्टीपल कॉलम्स, कि हमारे पास अगर किसी सिंगल कॉलम में कुछ टेक्स्ट है हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स में, बहुत सारे कॉलम्स में। जैसे कभी हमारे पास कंडीशन आती है, हमारे पास इस टाइप से नाम लिखते हैं हम, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कोई नाम लिखती हूँ राम कुमार शर्मा, तो ये देखिए बड़ा नाम था ये सॉरी यहाँ पर बोल्ड हुआ है, यहाँ लिखती हूँ मैं राम कुमार शर्मा, तो ये देखिए ये बड़ा नाम है तो ये नेक्स्ट कॉलम तक चला गया। अगर हमें इस चीज़ से बचना है, हम ये नहीं चाहते हैं, तब हमें क्या करना होगा, देखिए अगर हम चाहते हैं हमने नाम लिखा और हमारा नाम अपने आप अलग अलग कॉलम में सेट हो जाए कि फर्स्ट नेम इधर, सेकंड मिडल नेम इधर और लास्ट नेम इधर, तब हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट अपना ये फर्स्ट कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट करना होगा और टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करना है। तो इस टाइप की आपके पास एक विंडो ओपन होगी कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम, उसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। देखिए कैरेक्टर सच एस कॉमाज और टैब सेपरेट ईच फील्ड, हमें यहीं पर क्लिक करके रखना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है। तो यहाँ आपके पास एक देखिए ऑप्शन है कि आपके डेलिमिटर्स क्या है, जैसे कि जो आपका टेक्स्ट है उसमें आपने स्पेस टैब सेमीकोलन, मतलब कि एक्सेल उसमें क्या पता करे कि वो कहाँ से उसे अलग करना है, कि स्पेस को देखे या टैब को देखे या कॉमा को देखे या अदर कोई चीज़ है। तो उसके लिए अभी हमने स्पेस लगाया हुआ है, देखिए श्री और राम के बीच में स्पेस है, तो हम यहाँ ये कोमा को हटा के स्पेस सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही स्पेस सिलेक्ट किया देखिए उसने उसको उठा लिया, उसे समझ आ गया कि जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ वहाँ से उसे अलग कर देना है अलग अलग कॉलम में। नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पर, तो देखिए अब पूछ रहा है कि कॉलम डेटा फॉर्मेट, जो आपके कॉलम में डेटा है वो उसका फॉर्मेट क्या है, तो हम जनरल ही रहने देंगे। अगर कभी डेट होती है तो हम वहाँ पर डेट का फॉर्मेट बताते हैं कि पहले डे है फिर मंथ है या ईयर है, तो हम यहाँ पर अभी जनरल रहने देंगे और इसे करेंगे फिनिश। तो देखिए जैसे ही मैंने इसे फिनिश किया ये श्री अलग हो गया, राम अलग हो गया, कुमार अलग, राजेश कुमार शर्मा, तो ये टाइप से बहुत इजीली और ऑटोमेटिकली देखिए अरेंज हो गया ये प्रॉपर अलग अलग सेल में। तो इसका यूज़ आप इस टाइप से कर सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम का। अब ये हमारे जो है ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक ऑप्शन है फ्लैश फिल। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप 2013 से पहले वाला कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं एमएस एक्सेल का तो आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, और आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेक्स्ट टू कॉलम का भी यूज़ कर सकते हैं, सिमिलर ही काम करते हैं ये। बट जिनके पास 2013 वर्जन है उनको मैं ये ऑप्शन बता देती हूँ कैसे यूज़ करना है। इसका भी यूज़ यही है कि आप वैल्यूज़ को अलग अलग सेल में स्प्लिट कर सकते हैं और कंबाइन कर सकते हैं। अब आप इसमें क्या हमारे पास ऐड क्या हुआ ऑप्शन कि हम कंबाइन भी कर सकते हैं, क्लियर। तो हम देखते हैं इसे, जैसे मान लीजिए ये देखिए हम इसे यहाँ पर स्टडी करते हैं, तो फ्लैश फिल, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, मान लीजिए अभी देखिए नेहा शर्मा लिखा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ फर्स्ट नेम इधर आ जाए लास्ट नेम इधर आ जाए, तो वो कैसे होगा, ये एक ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है, इसे अगर आपने इनेबल नहीं किया हुआ है तो उस वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फाइल में जाना होगा, फाइल में जाने के बाद यहाँ देखिए लास्ट में सबसे नीचे आपको ऑप्शंस पर जाना होगा, ऑप्शंस पर जाने के बाद आपको ये लेफ्ट साइड पर एडवांस पर क्लिक करना है, एडवांस पहले फाइल देन ऑप्शन और फिर एडवांस पर क्लिक करना है, और फिर देखिए आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिटिंग में, ये देखिए एडिटिंग ऑप्शंस में ये ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल। अभी यहाँ पर देखिए मेरा चेकबॉक्स फिल है, अगर आपका ये फिल ना हो, वैसे बाय डिफॉल्ट ये टिक होता है, अगर ना हो तो आपको इस पर इस टाइप से टिक करना होगा और ओके करना होगा, तो ये आपका इनेबल हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक ऑप्शन है, ये अपने आप काम करता है, तो इसीलिए आपको इसे इनेबल करना ज़रूरी है। तो अब हमें क्या करना होगा, जस्ट हमें देखिए नेहा शर्मा, तो हमें इसे फॉर्मेट बताना होगा एक्सेल को कि हमें इस टाइप से ये अलग चाहिए। अब नेहा शर्मा लिखकर हम इसे पूरे नीचे तक सिलेक्ट करेंगे, नेहा को भी सिलेक्ट करेंगे हम और फ्लैश फिल पर क्लिक करेंगे, तो देखिए अपने आप उसने सारे के सारे यहाँ पर फिल कर दिए। लास्ट नेम में भी मैं शर्मा लिखूंगी और शर्मा के साथ इन सबको सिलेक्ट करूंगी और फ्लैश फिल, तो ये देखिए हो गया। अब एक ट्रिक तो इसकी ये थी कि आप इस टाइप से इसे अलग कर सकते हैं। सेकेंड आपके पास क्या ट्रिक है, हम इसे कंट्रोल जेड करते हैं सारे को। आपको जस्ट क्या करना होगा, नेहा लिखा मैंने यहाँ,
पायल लिखा, तो इससे क्या होगा, एक्सेल को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हो। उसे आपको बताना होगा कि मैंने पहले नेहा लिखा है, पायल लिखा है, तो वो उठा लेगा कि आप इस टाइप की वैल्यू चाहते हो कि सब में इस टाइप से आ जाए, फर्स्ट नेम आ जाए। तो देखिए ऑटोमेटिकली मैंने दो नाम लिखे, मुझे कहीं क्लिक नहीं करना पड़ा, मेरे सारे नाम अपने आप आ गए। मैं लास्ट नेम में दोबारा दिखाती हूँ, मैंने यहाँ लिखा शर्मा, अब लिखूंगी अरोड़ा, तो ये देखिए सब नीचे आ गए। एंटर करो बस तो आपके सारे नाम आ जाएंगे। यहाँ गोल्डी में ये यहाँ ये है नहीं, तो इस टाइप से आप ये फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं। अब इसमें थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है, मैं इसे फिर से कंट्रोल जेड करती हूँ। तो अब मैं यहां पर करूंगी, लिखूंगी नेहा, देन मैं ये सारा सिलेक्ट करूंगी। आप इसके लिए कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हो। देखिए कंट्रोल ई फ्लैश फिल की शॉर्टकट की है ये, देखिए जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर लिखा होगा कंट्रोल ई, तो आप इसके लिए कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। अब मैं फिर से इसे कंट्रोल जेड करती हूँ और हम इसे एक बार नेहा और पायल करके ये कंप्लीट कर देते हैं। हम इसे अरोड़ा, अगर आप इसे पूरा लिखेंगे तो वो चला जाएगा, उसे लगेगा कि आप कुछ और करना चाह रहे हैं, तो आप इसे पूरा ना लिखें, जस्ट थोड़ा सा आप इसे लिखें और फिर आपका नीचे वो आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब इसी में फ्लैश फिल में एक और आपके पास ऑप्शन होता है, वो आप कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको जस्ट क्या करना होता है, फ्लैश फिल में एक्सेल को फॉर्मेट समझाना होता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद वो आपकी वैल्यूज खुद ले लेता है। तो देखिए अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ है ईमेल आईडी, मान लीजिए मुझे एम्प्लॉयज की ईमेल आईडी लिखनी है यहाँ पर, और जो मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उन्हें कंपनी से ही प्रोवाइड की हुई है ईमेल आईडी, जिसमें क्या है उनका फर्स्ट नेम है, देन डॉट, फिर लास्ट नेम है, और फिर एट द रेट, और फिर कुछ कंपनी का नाम लाइक एबी, डोमेन नेम हम कंपनी का लाइक abc.com कुछ भी xyz.com। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, हमें लिखना होगा नेहा डॉट शर्मा एट द रेट abc.com, एंटर करेंगे हम, तो ये देखिए मेल आईडी में चेंज हो गया। अब हमें नीचे क्या करना होगा, हमें नीचे भी यही लिखना होगा, या हम जस्ट क्या करेंगे इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ नीचे करेंगे तो फ्लैश फिल, ये देखिए कंप्लीट ये फिल हो गया। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, देखिए सब खुद बन गए, पायल डॉट अरोड़ा एट द रेट डॉट कॉम abc.com, यहाँ पर ये मार्क आ रहा है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, गोल्डी डॉट गोयल एट द रेट abc.com, तो ये सब इसने खुद बना लिए देखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक और बात क्या है, अभी देखिए मैंने जितने भी यहाँ पर ये ट्राई किए, ये सभी कॉलम एक दूसरे से लगे हुए थे, बीच में कोई भी कॉलम इसमें खाली नहीं था। अगर ऐसा होता है, देखिए जैसे मैं यहाँ पर ये बीच में कॉलम छोड़ दिया और यहाँ पर लिखती हूँ नेहा, एंटर किया, सॉरी इस वाले नीचे वाले कॉलम में लिखना है, हमें उसके बिल्कुल सामने वाले कॉलम में लिखना होता है। अब नीचे हम लिखेंगे नेहा, एंटर किया, यहाँ लिखती हूँ पायल, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, अभी तक नीचे कोई लिस्ट नहीं आई। अब मैं इसे फ्लैश फिल का भी यूज़ करके देख लेते हैं, फ्लैश फिल, तो ये देखिए ये क्या बोल रहा है, वी लुक्ड एट ऑल द डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन एंड डिडंट सी अ पैटर्न फिलिंग इन वैल्यूज फॉर यू। वो बोल रहा है कि हमने सभी जगह देखा डेटा जो आपने दिया हमें, हमने उससे रिलेटेड लेफ्ट राइट सब जगह वो सर्च करता है, बट उसे कुछ मिला नहीं। जब तक अगर आपका डेटा लेफ्ट या राइट किसी भी साइड से आपका डेटा आपके रिजल्ट वाले कॉलम से लगा नहीं हुआ होगा, टच नहीं होगा, तब तक वो नहीं उठा पाएगा कि आपका डेटा लेफ्ट पर है या राइट पर है, क्योंकि ये जो शीट है ये बहुत बड़ी है, तो एक्सेल को समझ में नहीं आता है कि आपका डेटा उसे कहाँ से ढूंढना है। इसीलिए आपको आपका कोई भी बीच में कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, ये बात याद रखिएगा। और जो आप डेटा लिखेंगे वो होना भी बिल्कुल सामने वाले ही कॉलम में चाहिए, लाइक इधर ही चाहिए, होना चाहिए रो भी सेम रो में। तो ये आपका फ्लैश फिल के लिए मैंने आपको सभी बातें बता दी हैं, जो जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसे प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई इश्यू होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिमूव डुप्लीकेट। अब आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ हम डुप्लीकेट एंट्रीज कर देते हैं जल्दबाजी में, या कोई एक नाम हम रिपीट कर देते हैं एम्प्लॉय का नाम, या कोई एक रोल नंबर रिपीट कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, अपना डेटा आपने रेडी कर लिया, अब आपको चेक करना है उसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज तो नहीं है। आपको जस्ट अब ये सिलेक्ट करनी होगी वैल्यूज, जैसे देखिए इसमें राम, निशा, प्रिया, काजल, सुमन, फिर से राम आ गया, निशा आ गई, फिर से नेहा, पायल, निशा आ गई फिर से। तो ये जितनी बार भी नेहा आई, राम आया एक्स्ट्रा बार, इन सबको अगर रिमूव करना है, ये तो कम डेटा है, आप ढूंढ के कर सकते हो, लेकिन बहुत सारा हो तो क्या करेंगे, सब कंप्लीट को सिलेक्ट कर लो और रिमूव डुप्लीकेट्स।
कॉलम पूछेगा वो आपसे, अगर दो तीन हो तो सभी दे देगा, अभी एक ही है तो कॉलम ए, ओके किया। तो ये देखिए जैसे ही किया, थ्री डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव सेवन यूनिक वैल्यूज रिमेन। बोल रहा है कि तीन थी डुप्लीकेट मैंने डिलीट कर दी है और सेवन आपकी बच गई है। तो ये देखिए हमारी जो तीन डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो रिमूव हो गई। तो ये रिमूव डुप्लीकेट का यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, देखिए डाटा वैलिडेशन। तो इसका क्या यूज़ होता है गाइस, इसमें होता है कि आप अपने जो भी आपका डेटा का एरिया है कि आपको इतने एरिया में काम करना है, ये काम करना है, वहाँ पर आप उसे वैलिडेशंस लगा सकते हो कि यहाँ पर जस्ट यही काम होना चाहिए। जैसे कभी कभी हमारा कोई इंपॉर्टेंट वर्क होता है, कोई डॉक्यूमेंट होता है, उसमें हमारे पास कुछ कॉलम्स होते हैं। जैसे मान लीजिए नेम का कॉलम होता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि नेम में कोई भी नंबर आगे लिख जाए, ठीक है ना, या फिर कोई ABC लिख दे। हम चाहेंगे कि ये नेम का कॉलम है, तो जब कोई इसमें काम करे हमारे बिना आकर, तो वो वहाँ पर सिर्फ नाम ही लिख पाए, प्रॉपर नाम। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हमें जस्ट क्या करना होगा, अपनी रेंज सिलेक्ट करनी होगी जहाँ पर जो देना है, और फिर यहाँ डाटा वैलिडेशन पर ऊपर ही क्लिक करना है आपको। तो देखिए एक पूरा डायलॉग बॉक्स खुल गया। फर्स्ट इसमें ऑप्शन है सेटिंग इनपुट मैसेज एरर अलर्ट। तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सेटिंग्स, हम इसे चेक करते हैं। पहले वैलिडेशन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपका, अलाउ, क्या अलाउ करना है आपको। तो नेम में तो मुझे टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट लेंथ, बिटवीन चाहिए, उसके इक्वल चाहिए, क्या बिटवीन रखते हैं हम, मिनिमम, तो मैंने बोला मिनिमम फोर लेटर्स का नाम होना चाहिए। अगर नेहा भी होगा तो NEHA, फोर लेटर्स का नाम होगा हमारे पास, या हम थ्री कर सकते हैं, लाइक किसी का नाम अनु होता है ANU, तो मिनिमम थ्री लेटर्स होते हैं किसी नाम में, दो लेटर्स का कोई नाम नहीं होता है। मैक्सिमम हम 15 तक ले जाते हैं, क्योंकि किसी किसी के नाम में फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम सब होते हैं, तो 15। उसके बाद देखिए हमने फिल कर दिया है। इनपुट मैसेज में क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमें देना होगा कि व्हेन सेल इज सिलेक्टेड शो दिस इनपुट मैसेज। जब भी कोई उस सेल पर क्लिक करेगा तो उसे ये मैसेज शो होगा। तो हम टाइटल में दे देते हैं नेम हेयर, और इनपुट मैसेज में दे देते हैं टाइप एनी नेम, ये मैंने रैंडम कुछ भी दिया है। तो जब भी कोई नेम वाले किसी भी सेल पर क्लिक करेगा तो उसे ये मैसेज शो होगा कि नेम हेयर, और यहाँ पर कोई नेम टाइप करो। अब है एरर अलर्ट कि अगर कोई गलत नाम, मान लीजिए कोई दो लेटर लिखता है वहाँ पर, तो क्या होना चाहिए। तो इसमें तीन ऑप्शन होते हैं, स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन। अगर आप स्टॉप लगाते हैं तब तो वो जो भी लिखेगा वहाँ पर वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, बार बार नहीं करेगा, येस नो का ऑप्शन ही नहीं आएगा, वो उसे एग्जिट ही कर देगा। अगर आप वार्निंग लगाते हैं तो वो जस्ट उसे वार्निंग देगा कि आप ये गलत कर रहे हैं। अगर वहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, येस और नो, अगर वो येस करेगा तो वो उसे उठा लेगा, ऐसा ही इन्फॉर्मेशन में होगा। तो फर्स्ट मैं आपको स्टॉप दिखाती हूँ, फिर मैं आपको तीनों ऑप्शन एक बार दिखा ही दूंगी। टाइटल, यहाँ पर हमें देना होगा कि अगर वो गलत डेटा यूज़ करता है तो हम उसे क्या वार्निंग दें, या स्टॉप, स्टॉप के लिए तो हम उसे बोलेंगे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर रॉन्ग डेटा, क्लियर। यहाँ पर भी हम कुछ दे सकते हैं कि टाइप, यहाँ पर हम उसे मैसेज दे सकते हैं कि टाइप ओनली, टाइप लेटर्स बिटवीन 3 to 15, ओके करेंगे हम, जस्ट हो गया। अब देखिए मैं बाहर हूँ, जैसे ही नेम वाले सेल पर क्लिक किया, नेम हेयर टाइप एनी नेम, मैं यहाँ पर जस्ट टू लेटर्स लिखती हूँ UY, एंटर किया, रॉन्ग डेटा, देखिए मेरे पास जो मैंने वार्निंग डाली थी स्टॉप के लिए, रॉन्ग डेटा, टाइप लेटर्स बिटवीन 3 to 15, रीट्राई, बट नहीं हो पा रहा, एंटर करूँगी, रीट्राई, नहीं हो पा रहा, एंटर किया, देखिए कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है इसमें, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम स्टॉप की जगह दे देते हैं वार्निंग, बाकी हमारा डेटा वैसा रहने देते हैं हम, वार्निंग, रॉन्ग डेटा, टाइप लेटर, ये हमारा वही सेम है, ओके किया। अब हम जब यहाँ पर कुछ और टाइप करेंगे, देखिए टू लेटर्स का, तो वार्निंग आई हमारे पास, देखिए टाइप लेटर्स बिटवीन 3 to 15, कंटिन्यू। अब हमारे पास देखिए येस और नो के ऑप्शंस जुड़ गए, पहले सिर्फ फ्री ट्राई था, अगर हम इसे नो करेंगे तो यहाँ से ये चला जाएगा, अगर हम इसे येस करेंगे तो वो सामने वाला जो पर्सन काम कर रहा है, जो पर्सन, वो अगर येस करेगा तो ये ऐड हो जाएगा इसमें। तो मेनली तो इसमें स्टॉप का ही होना चाहिए कि आप चाहते ही नहीं हैं वहाँ पर कुछ ऐसा डेटा आए। तो उसके बाद थर्ड इसमें ऑप्शन क्या है, इन्फॉर्मेशन, वो भी वार्निंग जैसा ही कुछ है, उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, ओके करेंगे। तो अब मैं यहाँ लिखती हूँ UY, तो ये देखिए इन्फॉर्मेशन आ गई, ओके किया, तो ये हो गया। यहाँ पर येस नो भी नहीं आता, यहाँ पर जस्ट वो इन्फॉर्मेशन देगा, आप ओके करेंगे तो हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ इसे नंबर्स पर, मान लीजिए मार्क्स, मार्क्स का क्या होता है हमारा, अगर आप आउट ऑफ 100 मार्क्स दे रहे हैं
तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि 100 में से किसी के 101 मार्क्स आ जाएंगे, इम्पॉसिबल थिंग है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप डाटा वैलिडेशन का यूज़ बहुत ज़रूरी कर सकते हैं कि मतलब करना ही है इसका यूज़, क्योंकि हमें क्लियर है ना कि 100 में से 101 मार्क्स तो कभी आ ही नहीं सकते हैं किसी के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये सिलेक्ट करेंगे और डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम सेटिंग्स में अब एनी वैल्यू को हम यहाँ देंगे होल नंबर। तो अब अगर बिटवीन चाहते हैं आप तो आप बिटवीन करें, अगर आप जस्ट चाहते हैं कि लेस देन 100 तो आप लेस देन 100, यहाँ पर हम दो दे सकते हैं इसे। मान लीजिए मुझे लेस देन देना है तो मैं मैक्सिमम बोलती हूँ 100। इनपुट मैसेज मैं यहाँ पर दे देती हूँ, कुछ भी हम यहाँ पर दे देते हैं, मार्क्स मार्क्स ही लिख देते हैं हम जस्ट यहाँ पर, ये रैंडम हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसके बाद एरर में हम इसे स्टॉप करते हैं और यहाँ हम टाइटल में इसे देते हैं रॉन्ग डेटा, और नीचे हम देते हैं लेस देन 100 एक्सेप्ट ओनली लेस देन 100, क्लियर, और ओके करेंगे। अब हम यहाँ पर 150 मार्क्स डाल के देखते हैं, एंटर किया मैंने तो देखिए रॉन्ग डेटा एक्सेप्ट ओनली लेस देन 100। तो 100 से ऊपर अगर कोई मार्क्स डालने की कोशिश भी करेगा तो वो डाल ही नहीं पाएगा। तो ये यूज़ होता है डाटा वैलिडेशन का, इसी में आप इंफॉर्मेशन और वार्निंग का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये डेटा वैलिडेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसोलिडेट पर। कंसोलिडेट हमारे पास देखिए क्या ऑप्शन है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं अगर कभी हमें दो मल्टीपल वैल्यूज़ को हमें कंबाइन करना है, कंसोलिडेट करना है, हमें रिज़ल्ट चाहिए एक जगह पर, दो जगहों के हमें रिज़ल्ट का एक ही रिज़ल्ट चाहिए हमें। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, लाइक देखिए समराइज डाटा फॉर फ्रॉम सेपरेट रेंजेस, मतलब मान लीजिए अगर आपकी अलग अलग रेंजेस हैं, सेपरेट रेंजेस हैं आपकी, दो रेंजेस हैं, उन्हें आप कंसोलिडेट करके एक रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है सेल मेरी 2018 की, प्रोडक्ट है माउस कीबोर्ड सीपीयू लैपटॉप यूपीएस, अमाउंट है माउस जो पूरे साल में बिके हैं वो 25,000 के हैं, सीपीयू 50,000 के, इस टाइप से। अब मैं नेक्स्ट शीट पर जाती हूँ तो देखिए नेक्स्ट शीट पर भी मेरा यही कुछ सेम डेटा है, सेल 2019 की, तो यहाँ पर ये 19 की सेल है, ये देखिए मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो ये हमारी 19 की सेल है। उसके बाद हम नेक्स्ट शीट पर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल सेल है 2018 और 19 की। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें जो ये हमारी 19 की सेल है और ये हमारी 18 की सेल है, इनका हमें कंबाइंड रिजल्ट मिल जाए 18-19 का दोनों का, तो हम क्या करेंगे, हम डेटा इसका कंसोलिडेट का यूज़ करेंगे। हमें जस्ट जहाँ पर रिजल्ट चाहिए वहाँ क्लिक करना होगा और डेटा में जाके कंसोलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ आपको फंक्शन देना होगा, आप सम करना चाहते हैं, काउंट एवरेज मैक्सिमम मिनिमम प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, काउंट नंबर्स क्या, तो मुझे तो सम करना है दोनों ईयर्स का, सम पर क्लिक किया। अब रेफरेंस देना है हमें, यहाँ पर हम 13 नंबर की शीट पर जाएंगे और ये वाली अपनी रेफरेंस को यूज़ करेंगे। आपको जो जस्ट हेडिंग तक देना है, ये सेल 2018 देने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी हम यहाँ पर ये रेंज को ऐड करेंगे। अब हम फिर से यहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे अपनी शीट 15 पर जहाँ पर हमारा ये 19 की सेल है, और इसे भी सिलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। अब जो यहाँ पर ये डेटा आएगा इसे खाली छोड़ देना है और हम यहाँ पर किसी पर भी क्लिक कर लेंगे और यहाँ करेंगे ओके। ओके किया तो देखिए आपके पास दोनों ईयर की सेल आ गई। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट लिखना भूल गई थी मैं, तो हम ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखेंगे तो हमारे पास दोनों ईयर की सेल आ जाएगी। देखिए जैसे मैं यहाँ प्रोडक्ट लिख लेती हूँ, तो ये देखिए हमारे पास सेल आ गई कि माउस की, हमारे पास हम चेक करते हैं 13 में 25,000 की सेल हुई और सॉरी 18 में 25,000 की सेल हुई और 15 में 30,000 की, तो 25 और 30 प्लस 55 हमारे पास ये आंसर आ गया। कीबोर्ड की भी इसी तरह से देखते हैं हम, कीबोर्ड की 30 की सेल हुई एक ईयर में और 30 की ही नेक्स्ट में, तो हमारे पास 60 है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है एक्सेल आपको। तो देखिए हमारे पास दोनों ईयर की सेल आ गई। इस टाइप से आप कंसोलिडेट डेटा का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दो सेपरेट रेंजेस को आप इंक्लूड करके कंबाइन करके जोड़ कर उन्हें आप एक रिजल्ट ला सकते हैं कहीं पर भी। तो ये आप इस टाइप से, अब इसी में हमारे पास देखिए एक और ऑप्शन था, मैं आपको फिर से इसे करते हैं हम डिलीट और यहाँ पर हम इसे
यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट ले आते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं, कंसोलिडेट पर गए हम, तो ये देखिए नीचे हमारे पास दो ऑप्शन थे। यहाँ पर मैं इसे रेफरेंस हमने दी हुई है सभी, तो देखिए टॉप रो और लेफ्ट कॉलम आपकी जो हेडिंग है वो कहाँ है, आपको अगर पता है आपकी हेडिंग कहाँ है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन था क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा, ये वाला आपको टिक ज़रूर करना है, क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी सोर्स होंगे आपके डेटा के वो सब इंक्लूड सब जुड़ जाएंगे एक लिंक के थ्रू, मतलब आपस में लिंक हो जाएंगे वो, ताकि जब भी आप अगर 18 की सेल में कोई चेंजेस करते हैं तो भी आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, 19 की में करते हैं तो भी। ओके करेंगे हम। अब देखिए अब ये लिंक हो गया, ये देखिए इस टाइप का ये मार्क आ गया। अब मैं जाती हूँ 13 वाली मेरी शीट में और यहाँ कर देती हूँ 30,000, एंटर किया। मैं 16 में आकर देखती हूँ तो ये देखिए मेरा जो माउस का रिजल्ट था वो 60,000 हो गया ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो कीबोर्ड वाला रिजल्ट है 60,000 है। अब मैं जाकर कीबोर्ड में यहाँ 40,000 करती हूँ तो वहाँ 70,000 हो जाना चाहिए, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली 70,000 हो गया। तो जब भी आप कंसोलिडेट का यूज़ करें आप इस ये जो आपका ऑप्शन था इस पर तो ज़रूर क्लिक करिएगा, ये क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा, क्योंकि नहीं तो आप कोई भी चेंज करेंगे फ्यूचर में 18 की सेल में या 19 की सेल में तो आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस थे, टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा वैलिडेशन और कंसोलिडेट। इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, कुछ समझ में नहीं आता है कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है गाइस। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहें। और गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।